एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा के सपने में लक्ष्मी माता आती हैं और क्रोध से कहती हैं कि राजन, मैं तुम्हारा त्याग कर रही हूँ और ये गधा छोड़ के जा रही हूँ। ये गधा तुमसे दूर नहीं होना चाहिए। राजा उस गधे के साथ भटकते हुए हैं एक दिन एक तपस्वी के पास पहुंचते हैं। तपस्वी भी खुद दीनहीन हालत में होता है, भिक्षुक होता है। तो राजा अपनी व्यथा उसको बताते हैं और पूछते हैं, स्वामी आप कुछ समाधान बताएं। तो क्योंकि तपस्वी जो है वह ज्योतिष होता है, तो वह राजा का हाथ देख के कहता है कि बेटा अभी तुम ये गधा बेच आओ। तपस्वी की बात मान के राजा गधा बेच देते हैं। अब राजा के पास 3-4 दिन खाने के लिए पैसे हो जाते हैं। लेकिन 4th दिन वह गधा राजा को फिर अपनी झोपड़ी के बाहर खूंटे पर बंधा हुआ मिलता है। राजा फिर तपस्वी के पास जाते हैं। तपस्वी फिर वही कहता है, गधा बेच दो। अब ये करते करते काफी समय बीत जाता है। हाँ, राजा के पास खाने के लिए अनाज तो हो जाता है, उसकी भूख मिट जाती है, लेकिन राजा सोचते हैं कि तपस्वी बेवकूफ है क्या, गधा ही बिकवाता रहता है, ये नहीं बताता मैं राजा कब बनूंगा। साल बीत जाते हैं और राजा धीरे धीरे वही गधा बेच बेच के अपना सारा लक्ष्मी वापस पा लेता है और राजा बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष का काम आपका भविष्य या भाग्य बदलना नहीं है, लेकिन आपकी मंजिल तक कैसे पहुंचना है वह रास्ता दिखाना है। उस राजा के महल में आज भी वह गधा बंधा हुआ है।